हेलो क्लास इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ओके इन लास्ट वीडियो वी हैड सीन अबाउट एडिशन एंड जनरल सब्ट्रैक्शन ओके एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लीमेंट्स रूल के थ्रू कर सकते हैं ये मैं आज बताने जा रहा हूँ ठीक है बहुत ही सिंपल सा है सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट रूल होता क्या है जब भी हम कॉम्प्लीमेंट रूल की बात करते हैं तो सपोज करो आ, बाइनरी में अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं याद रखना बाइनरी में अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो बाइनरी में कॉम्प्लीमेंट होता है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ठीक है बाइनरी में अगर हम बात करेंगे तो बाइनरी में जो कॉम्प्लीमेंट रूल होता है वो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट होता है ठीक है क्योंकि बाइनरी का लास्ट डिजिट वन होता है और उसमें वन ऐड करने पे टूज बन जाता है ठीक है अभी बात करेंगे इसको मैं बताऊंगा इसको कैसे अगर मैं यही चीज़ ऑक्टल में क्योंकि ऑक्टल भी आगे हम लोगों को पढ़ना है तो अगर ऑक्टल में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्टल में क्योंकि इसका लास्ट डिजिट सेवन होता है तो इसको हम बोलते हैं सेवेंस कॉम्प्लीमेंट एंड एट ठीक है एट Eight थे एट्स कॉम्प्लीमेंट ओके और अगर यही चीज़ हेक्सा में बात करते हैं यानी कि हेक्सा डिज्मल में अगर हम बात करते हैं तो हेक्सा का लास्ट होता है फिफ्टीन यानी फिफ्टीन्स कॉम्प्लीमेंट एंड सिक्सटीन्स कॉम्प्लीमेंट ओके तो क्योंकि फिलहाल हम लोग सप्ट्रैक्शन अभी बाइनरी अर्थमेटिक देख रहे हैं तो बाइनरी अर्थमेटिक में अभी हम लोग बात करेंगे आ, आ, बाइनरी सप्ट्रैक्शन की ठीक है तो बाइनरी सप्ट्रैक्शन में हम लोग वंस और टूस की बात करेंगे ठीक है अब आते हैं बाइंड्री सब्ट्रैक्शन यूजिंग बाइंड्री सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट ठीक है कॉम्प्लीमेंट रूल से कैसे हम लोग बाइंड्री सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं ठीक है तो बाइनरी सप्टेक्शन में अगर हमें काम करना है और कॉम्प्लीमेंट रूल लगाना है तो जैसा कि हम मैंने अभी बताया कि बाइनरी में वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की तो हम कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कोई भी बाइनरी नंबर हो पहले मैं एग्जाम्पल मिल लेता हूँ मान लो वन जीरो वन मेरा एक बाइनरी नंबर है और इसका मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना है इसका मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं जो भी बाइनरी नंबर होता है बस उसके हर एक हर एक डिजिट को कॉम्प्लीमेंट है ना हमें कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो उस हर एक डिजिट का कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में हर एक डिजिट का कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं हर एक डिजिट का कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब कि वन का कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो और जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन ठीक है तो जैसे मेरे पास अगर मैं बोलता हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट ठीक है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन ज़ीरो वन तो जो भी वन है उसको जीरो बना लेंगे और जो जीरो है उसको वन बना लेंगे यानी यहाँ पर वन है इधर से हम बात करते हैं यहाँ पर वन है वो ज़ीरो बन जाएगा ये ज़ीरो है वो वन बन जाएगा और ये वन है वो ज़ीरो बन जाएगा ठीक है वंस कॉम्प्लीमेंट में बाइनरी डिजिट जो भी बाइनरी नंबर हैं उसके हर एक बिट को उल्टा कर देंगे अगर वन है तो ज़ीरो कर देंगे जीरो है तो वन कर देंगे उसी को बोलेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट ठीक है अब ये रहा मेरा बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट उल्टा कर देना है ये जो मैं यहाँ बता रहा था ये गलत हो गया था इसको हम लोग टूज़ में अप्लाई करते हैं अगर कोई बोले टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट होगा याद रखना वंस कॉम्प्लीमेंट है वन है इसको टू बनाना है तो एक और ऐड कर दें तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट है इसी में वन ऐड कर देंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में मैं फिर बोल रहा हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट ठीक है अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा ज़ीरो प्लस वन 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 एंड ज़ीरो ठीक है ये मेरा हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट क्लियर है अगर मेरे पास वंस कोई बाइनरी मैं फिर से बोल रहा हूँ कोई बाइनरी नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो उस बाइनरी नंबर के हर एक डिजिट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो यानी उसको उल्टा कर दो हर एक डिजिट को उल्टा कर दो बाइनरी में केवल दो ही डिजिट होता है या तो जीरो होगा या तो वन होगा ठीक है अगर वहाँ पे वन है तो उसको ज़ीरो कर देंगे जीरो है तो उसको वन कर देंगे ठीक है उसी को बोलेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट और उसी वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड कर देंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो टू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्लियर है ठीक है तो हमने देखा कि वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टू कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं तो हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है ठीक है बाइनरी सब्ट्रैक्शन मुझे करना है उससे तो बताता हूँ ठीक है ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कैसे करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक बाइनरी नंबर ले लिया मान लो मैंने ले लिया वन ज़ीरो वन वन है माइनस यहाँ लिया वन 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 ज़ीरो जीरो वन ठीक है इसको मुझे सप्ट्रैक्ट करना है समझना लॉजिक क्या है तो जब सप्ट्रैक्ट करना एक तो जनरल रूल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में अब यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट रूल बताता हूँ अब बात ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट दो नंबर हैं हम वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट हमेशा और हमेशा उसका निकलता है जो निगेटिव होता है तो निगेटिव कौन है ये वाला जो निगेटिव होगा उसी का वंस और टूज़ निकालेंगे ठीक है सबसे पहला काम हम निकालते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट किसका वन ज़ीरो ज़ीरो वन का ठीक है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन का बस उल्टा कर दें यानी ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन को ज़ीरो कर दिया ज़ीरो को वन कर दिया ठीक है अब इसी का निगेटिव वाले का मैंने वंस निकाला अब इसी का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो टूज कॉम्प्लीमेंट यानी जो वंस है वन कॉम्प्लीमेंट में वन को ऐड कर देंगे वह टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यानी ये हो गया ज़ीरो प्लस वन 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 ज़ीरो मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया बस ये मेरा मेन पॉइंट है सबसे पहले वंस निकाला वन ऐड किया टूज निकल गया किसका मैं फिर पूछ रहा हूँ किसका निगेटिव वाले बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया अब जो पॉजिटिव नंबर है उस पॉजिटिव नंबर के साथ टूज़ कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा <coughs> देखते हैं वन ज़ीरो वन वन ये पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर <coughs> और ये निगेटिव था तो मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है जीरो वन 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 बस इनको ऐड कर लेंगे जो भी रिजल्ट आएगा वो इस सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा देखते हैं वन माइनस वन प्लस वन वन प्लस वन मतलब जीरो कैरी वन ठीक है मैं डायरेक्ट करता हूँ वन प्लस वन जीरो कैरी वन ज़ीरो प्लस वन 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 प्लस जीरो वन एंड वन प्लस वन ज़ीरो कैरी वन वन प्लस वन ज़ीरो कैरी वन एंड टोटल आंसर इसका ज़ीरो है तो जीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो और यहाँ पे आ गया वन ठीक है ये मेरा आंसर हो गया आंसर क्या आ रहा है वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ठीक है और मेरे बिट कितने थे अगर हम बिट की बात करें तो कितने बिट पे मैंने काम किया था फ़ोर बिट पे ये भी फोर बिट बिट का नंबर है ये, और ये भी फोर बिट का बाइनरी नंबर है दोनों फोर बिट के हैं और यहाँ पे मेरा आंसर कितने बिट में आ रहा है आंसर आ रहा है फाइव बिट में ये फोर बिट का है ये फोर बिट का है लेकिन आंसर फाइव बिट में आ रहा है ध्यान देना इस चीज़ को कि ये फाइव बिट में आ रहा है तो हम क्या करेंगे आंसर को भी फोर बिट में ही बनाएंगे क्योंकि सबसे मैक्सिमम इसका नंबर ऑफ़ बिट फोर है ठीक है अगर इसमें तीन होता और इसमें चार होता तब भी हम चार को कंसीडर करते हैं जो ज्यादा होगा उसी को तो इसका चार बिट का मेरा पहला नंबर है चार बिट का दूसरा नंबर है कॉम्प्लीमेंट भी फोर बिट का है तो हम लोग फोर बिट इस आंसर में से केवल फोर बिट निकालेंगे और फोर बिट निकालने के लिए हम ये जो पहला है इसको अलग कर देंगे इसको हम लोग बोलते हैं डिस्कार्ट इसको हम लोग कहते हैं डिस्कार्ट ठीक है यानी ये मेरे पास हो जाता है डिस्कार्ड <coughs> बिट ठीक है ये हमारे पास डिस्कार्ड हो जाता है यानी इसको हम ओवरफ्लो कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा बिट आ गया ठीक है क्योंकि हमारे पास फोर बिट का नंबर था अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया इसलिए हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे ओवरफ्लो बिट कह सकते हो डिस्कार्ड बिट कह सकते हो एक्स्ट्रा बिट कह सकते हो ठीक है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है दैट्स वाई इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे ठीक है यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ ओवरफ्लो, ये हमारा बाहर निकल जाए सिंपल सा समझ लो ये बाहर निकल गया ठीक है अब <coughs> हमारे पास बचा क्या ज़ीरो ज़ीरो वन मेरा एक्चुअल आंसर है यानी अगर हम बोलें वन ज़ीरो वन वन माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो वन आंसर आएगा ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ठीक है क्या प्रूफ है कि आंसर सही है तो मैंने बताया था इन सबका हम लोग डिसमल निकाल लो और इसका डिसमल निकाल लो आंसर पता चल जाएगा देखते हैं इसका डिसमल मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ तुम तो लोग अलग से कर लेना वन वन टू फोर एट वन टू फोर एट यानी इसका आंसर होगा एलेवन माइनस वन टू फोर एट नाइन ठीक है और इसका आंसर होगा वन टू यानी टू एलेवन माइनस नाइन इज इक्वल टू टू यानी कि ये मेरा आंसर सही है क्लियर है तो इस तरह से हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे बाइनरी सब नाम याद रखो बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट रूल वंस एंड टूज ठीक है तो ये रहा मेरा बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट रूल ठीक है अगे